हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो दो तीन बातें हैं, कुछ न्यूज़ है, जैसे कि आपका डीड प्लस बी का जो एडमिट कार्ड है वो आ चुके हैं अभी 42/21 के। और अगर हम बात करें आपके एडमिट कार्ड की, तो 7 मार्च से 30/31 तक जब तक भी आपके एग्जाम्स हैं, जिस जिस डेट को हैं वो आप चेक कर लीजिए। बात रही सीटेट के रिजल्ट की, तो अभी तक भी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। कुछ लोग आरटीआई लगाना शुरू कर रहे हैं, कुछ और रिजल्ट्स भी इनके अटके हुए हैं, तो शायद मार्च में देखने को मिले या जो भी हैं एक साथ देखने को मिले। कई बार सीटेट की वेबसाइट भी काम नहीं करती, बट पता अभी कुछ नहीं है कि कब एग्जैक्टली रिजल्ट आएगा, क्या इनका सीन रहेगा। और रही बात क्लासेस की, तो क्लासेस हम कल से कंटिन्यू कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली। अभी एक हफ्ते तक ऑफलाइन क्लास चलने के बाद थोड़ी फुर्सत मिल नहीं पाई, मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, और भी एक दो मीटिंग्स थी वो निपटा रही थी, है ना। और अभी कंटिन्यू करेंगे। सभी को हाय हेलो गुड इवनिंग नमस्कार राम राम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे पढ़ाई आपकी, जो कंटिन्यू करेंगे। एमपीटेट वालों से मैं सॉरी ही बोलना चाहूंगी अब तो, क्योंकि उनके लिए सेशन अलग से नहीं हो पाए, बट जो प्रीवियस सेशन है या जो मैराथन सेशन हुए हैं डीड प्लस बी मास्टर क्लासेस की, अगर वो उनको देख के जाते हैं तो फॉर श्योर हेल्प मिलेगी। और जो प्रीवियस वीडियोज मैंने बनाई हुई है एमपीटेट पे, उनको देख के जाते हैं तो भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा बात रही डीड प्लस बी की, तो आप क्लोजिंग मतलब एग्जाम से एटलीस्ट आधे घंटे पहले पहुंचे, क्योंकि एंट्री बंद हो जाएगी आपकी, और वो जरूरी है टाइम से पहुंचना, एक घंटा आधे घंटे जो भी है। और नोएडा या फिर अलग अलग जगह पे आपका सेंटर है, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो द्वारका हो, चाहे वो आपका फिर मुंडका हो, यहाँ दिल्ली में अलग अलग जगह पर हैं। सीटेट रिजल्ट के बारे में देखो, सीटेट रिजल्ट के बारे में अभी लोग आरटीआई लगाना शुरू कर चुके हैं, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं, सीटेट की वेबसाइट अभी भी डाउन थी, मैंने देखा, कभी भी डाउन हो जाती है, कभी भी अप हो जाती है, अपडेट कोई आता नहीं है। जो बाकी रिजल्ट्स रुके हुए हैं सीबीएसई के, वो भी आएंगे तो शायद साथ में आ जाएं, तो किसी को नहीं पता अभी क्या इन्फॉर्मेशन है, बट इंतजार ही कर रहे हैं। और मार्च में मोस्ट प्रॉब्ली देखने को मिलना चाहिए, नहीं तो फिर कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे, है ना। और बताइए, इस महीने देखने को मिलना चाहिए यार, बहुत ज्यादा अटक गया है अभी रिजल्ट, क्या पता कब आ जाए, नोबडी नोज। और मैं एकदम अच्छी हूँ, अभी कंटिन्यू करेंगे पढ़ाई, क्लासेस आपकी, और मंडे या फिर उससे पहले, क्योंकि 7th से आपकी क्लासेस है ना, तो मैं बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस आपको कराने वाली हूँ डी टू प्लस बी के लिए। एमपीटेट वालों के लिए नहीं करा पाई हूँ, उसके लिए सॉरी। और जो प्रीवियस वीडियोस जैसे बहुत सारी हैं, या मास्टर क्लासेस जो मैंने ली हैं, वो आप देख सकते हैं एमपीटेट के लिए भी, ठीक है जी। और कोई बात हो तो बताओ। सीडीपी क्लास क्यों नहीं हुई आज करियरविल पे? मैं गई हुई थी ग्रेटर नोएडा कुछ काम से, और पूरा दिन लग गया आने में, उस चक्कर में नहीं हो पाई, कंटिन्यू कर देंगे। और जो ये छुट्टियां हुई है ना, जो आपकी वहां पे ऑफलाइन क्लासेस के चक्कर में, तो करियरविल के जो बैचेस हैं, मैं डबल डबल क्लास लगा करके अच्छे से कवर कर दूंगी, डोंट वरी। और चैनल पे भी शाम की क्लास कंटिन्यू करेंगे कल या परसों से, कल से ही कर देंगे शाम को 9:30 बजे से, एकदम बढ़िया तरीके से जो आपकी डी टू प्लस बी की तैयारी है वो शुरू करेंगे। केवीएस कब आएगा? देखो, इस साल चीजें देखने को मिलनी चाहिए, बट अपनी तैयारी जारी रखो, ताकि जब आए तो अपॉर्चुनिटी ना छूटे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी इतनी मुश्किल से मिल रही है ना। कितना रोना पड़ रहा है हमें एक रिजल्ट के लिए कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। और यही दो तीन चीजें थी, एक तो सीटेट का रिजल्ट पे हमें बात करनी थी, अभी वेट ही करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका डी प्लस बी का जो एडमिट कार्ड है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। और इसके अलावा अपनी प्रेपरेशन को बढ़िया से जारी रखिए। तीसरी चीज थी क्लासेस डी प्लस बी के लिए, या जो भी पेडागॉजी की अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो कल से शुरू कर देंगे, स्पेशली डी प्लस बी के लिए, है ना। ऑल द बेस्ट, कमेंट्स में बता दीजिएगा अगर कोई भी आपका और डाउट है या कुछ भी इस तरह की दिक्कत है तो। और लास्ट ऑफलाइन क्लास का भी एक छोटा सा व्लॉग कल आपको देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिए अपना, कोई बात हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मिली नहीं थी आपसे 2 दिनों से, तो मिस भी कर रही थी। कल से कंटिन्यू करते हैं क्लासेस आपकी। थैंक यू।